नमस्कार। आज हम आपके साथ पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पत्ता गोभी को अच्छी तरह धोकर काट लेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल के 5 मिनट उबालेंगे। दूसरी ओर हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 2 से 3 तेजपत्ते डालेंगे। जीरा चटक जाने के बाद कटे हुए आलू डालेंगे, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। आलू को 2 मिनट ढककर पकाएंगे। दूसरी ओर हमारा पत्ता गोभी 5 मिनट उबल चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में छान लेंगे। 2 मिनट आलू पक जाने के बाद इसे अच्छी तरह चलाएंगे। कुछ देर चलाने के बाद इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 2-3 मिनट और पकाएंगे। दो तीन मिनट बाद आलू पक गए हैं और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। अब इसमें उबला हुआ पत्ता गोभी को डालेंगे। पत्ता गोभी को छानकर हमने पानी अलग कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप मटर और 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर और 2 मिनट पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला डालें, उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमारा सब्जी तैयार है, हम कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।